टुनटुनी चिड़िया खेत में काम करके घर लौट रही थी। उसने सेब की बगिया देखी और उस तरफ मुड़ गई। बड़े बड़े ताजे सेब देखकर उसकी भूख और बढ़ गई। वो बाग के अंदर चली गई और सेब तोड़ने वाली ही थी कि एक कड़क आवाज ने उसे रोक दिया। ए चिड़िया, खबरदार, जो सेब को हाथ लगाया बाग से बाहर निकल, जल्दी से बाहर आ जा, नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। ठीक है काका, मैं आपके सेब नहीं तोड़ूंगी। बहुत भूख लगी थी इसलिए सेब खाने का इरादा बन गया था। क्षमा कीजिए, मेरी ही गलती है, मेरी भूख ने गुनाह करने के लिए मजबूर कर दिया था। सेब खाना है तो अपनी बगिया का खाओ। काका, मेरा इतना अच्छा कहाँ नसीब, बगिया तो बहुत दूर की बात है, मेरे पास तो एक सेब का पेड़ भी नहीं है। अब जाओ यहाँ से, दोबारा मेरे सेब की तरफ देखना भी मत। हर सेब की कीमत होती है, तू कंगाल क्या समझेगी, चल निकल। टुनटुनी चिड़िया अपने हालात के बारे में सोचने लगी। उसे बहुत दुख हो रहा था, उस गरीब का दिल रो रहा था। वह मजबूर होकर दुखी मन से अपने घर की तरफ लौटने लगी। रास्ते में एक बूढ़ी कबूतरी सेब का टोकरा लेकर बैठी थी। टुनटुनी चिड़िया को देखते ही उसने आवाज दी, ओ बेटी इधर आओ, क्या ये टोकरा मेरे सर पर उठा दोगी? हाँ काकी, अभी उठाती हूँ। टुनटुनी चिड़िया ने देखा बहुत सारे सेब टोकरी में भरे हुए थे, इसलिए उसने महसूस किया कि आज बूढ़ी काकी के सेब ज्यादा बिके नहीं हैं। काकी, लता है आज आपके सेब बिकने से रह गए। हाँ बेटी, कभी कभी दोहरी तकलीफ उठानी पड़ती है, पहले कमाई ना होने की तकलीफ और दूसरी भरी टोकरी घर ले जाने की तकलीफ। पक्षी बड़ी बड़ी दुकानों में मोल भाव नहीं करते, लेकिन मेरे सेब बहुत सस्ते में खरीदना चाहते हैं। कभी कभी तो इतने कम दामों में मांगते हैं कि मेरी लागत भी उससे ज्यादा होती है। काकी, मैं आपकी दूसरी तकलीफ कम कर सकती हूँ, आपकी ये टोकरी अपने सर पर रखकर आपके घर पहुँचा दूंगी। रहने दो बेटा, मेरे लिए तुम क्यों तकलीफ उठा रही हो, यह रोज की बात है, कभी थोड़ा भारी बोझ कभी हल्का बोझ रहता है। मैं तो काकी आपका आज का बोझ अपने ही सर पर लेकर चलूंगी। बूढ़ी काकी मना भी नहीं कर सकी और टुनटुनी ने पूरी टोकरी एक लकड़ी गाड़ी पर रखी और दोनों साथ साथ चलने लगी। काकी, अब इस उम्र में इतनी मेहनत का काम क्यों करती हो? बेटी, इस पापी पेट को भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है ना। आपके घर में आपके अलावा और कौन कौन है? मैं अकेली रहती हूँ बेटा, एक जवान बेटा था, वह भी भगवान को प्यारा हो गया। अब भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे भी जल्दी से अपने पास बुला ले। बूढ़ी काकी के मुँह से ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया की आँखें भर आईं। काकी, मैं आपकी टोकरी लाने और ले जाने का काम करूंगी, इतना भारी बोझ लेकर चलना आपके लिए हानिकारक है, इतना तो कर ही सकती हूँ। टुनटुनी चिड़िया सेब बेचने के लिए आवाज लगाने लगी, ताजे ताजे मीठे सेब ले लो, चक्कर देखो फिर पैसे दो, लाजवाब लाल लाल सेब ले लो। एक कबूतर आया, उसने बहुत सारे सेब खरीद लिए। बूढ़ी काकी का मुंह खिल उठा, बातें करते करते बूढ़ी काकी का घर आ गया और टुनटुनी ने टोकरी उसके घर के अंदर रख दिया और बाहर आने लगी। रुक जाओ बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? काकी, मेरा नाम टुनटुनी है, वैसे पक्षी मुझे टुन्नू टूनी कुछ भी कहते हैं। इतने में बूढ़ी काकी ने दो सेब टुनटुनी के हाथ पर रख दिए। बेटी खा लेना इसे, बड़ी मेहनत की है तुमने। काकी, मैं एक सेब खाऊंगी और दूसरा घर ले जाऊंगी, भगवान की कृपया अगर हो गई तो मैं सेब का पेड़ उगाऊंगी। काकी, ये दुनिया भी बड़ी अजब गजब है, कोई नफरत से भगाता है और कोई प्यार से खिलाता है। ठीक है बेटा, खा लेना और इसके बीज को खेत में डाल देना। टुनटुनी ने सेब खाए और उसके बीज अपने पास रख लिए। उसने सेब के कई बीज लगाए लेकिन एक पौधा तैयार होने लगा, वह देखते ही देखते बड़ा हो गया। टुनटुनी चिड़िया उसे बार बार देखती और जितनी बार देखती उतना उसे बड़ा लगता। कुछ ही दिनों में वह बड़ा पेड़ बन गया, बड़े बड़े लाल लाल ढेर सारे सेब लटकने लगे। टुनटुनी चिड़िया बड़े बड़े लाल लाल सेब तोड़ने लगी, लेकिन बहुत देर के बाद भी सेब खत्म ही नहीं हो रहे थे। हे भगवान, ये कौन सा जादू है, आपने मुझे सेब का इतना बड़ा भंडार दे दिया है, ये तो बहुत चमत्कारी जादुई सेब का पेड़ है, मैंने जितने तोड़े भगवान ने उतने सेब फिर से जोड़े, इसके फल तो खत्म ही होने का नाम ही नहीं ले रहे, अब तो मेरी बूढ़ी काकी को भी फल बेचने के लिए दर दर नहीं भटकना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया के पास सेब के फलों का बहुत बड़ा भंडार हो गया, उसने उन्हें बेचकर बहुत सारा धन इकट्ठा किया। वह बूढ़ी काकी के पास गई। काकी, आज से आप टोकरी में फल नहीं बेचेंगी। बेटा ये क्या कह रही हो?
बात की, भगवान की कृपा से अब आपकी ये बेटी कमाएगी और आप मजे से घर में भगवान की पूजा और भजन करना। टुनटुनी चिड़िया बूढ़ी काकी को अपने घर ले गई और दोनों खुशी खुशी रहने लगी। ये कहानी जंगल में रहने वाली टुनटुनी चिड़िया की है, जिसके संसार में कोई नहीं था और ना ही उसका कोई घर था। वो दिन भर जंगल की सैर करती थी और रात में एक पेड़ की डाली पर बैठकर पूरी रात गुजार लिया करती थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक पेड़ पर बैठी रो रही थी, तभी उसके पास एक कालू कौआ आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, आप इतना रो क्यों रही हो? कौए भाई, इस जंगल में जितने पक्षी हैं, सबके अपने अपने घोंसले हैं, पर मैं ही कैसी चिड़िया हूँ जिसका कोई घर नहीं है, ना ही मेरा कोई परिवार है। चिड़िया बहन, आप एक घोंसला क्यों नहीं बना लेती हो? कौए भाई, मैंने कितनी बार अपना घोंसला बनाया, पर हर बार कोई ना कोई पक्षी आता था और मेरा घोंसला तोड़कर चला जाता था, क्योंकि जंगल के सारे पक्षी मुझे मनुष्य पक्षी समझते हैं, कहते हैं मेरे संसार में कोई नहीं है, इसलिए मैं एक मनुष्य पक्षी हूँ। चिड़िया बहन, आप मेरे घोंसले के पास अपना एक घोंसला बनाइए, मैं देखता हूँ आपका घोंसला कौन तोड़ता है। टुनटुनी चिड़िया कालू कौए की सहायता से अपना एक घोंसला बना लेती है और वो उसी घोंसले में रहने लगती है। थोड़े समय बाद जंगल के सारे पक्षी वहाँ प्रकट होते हैं और वो चिड़िया का बना घोंसला तोड़ देते हैं। ये तुम सबने क्या किया? क्यों इस चिड़िया का घोंसला तोड़ दिया? कौए, तुझे पता नहीं है क्या, इस मनहूस पक्षी को इस जंगल में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं मानता हूँ कि इस चिड़िया का इस संसार में कोई नहीं है और ये जहाँ भी अपना घोंसला बनाती है उस जगह पर मनहूसियत ही छा जाती है, पर ये सारी बातें सिर्फ अंधविश्वास वाली बातें हैं। कौए, तुम हमें ज्ञान मत दो, हम अच्छा बुरा बखूबी समझते हैं, इस चिड़िया को हम जंगल में घर नहीं बनाने देंगे। तभी एक तूफान आता है और तेज बारिश होने लगती है। उस तूफान में सारे पक्षियों के घोंसले टूट जाते हैं। मेरा घोंसला तो पूरा टूट गया, अब मैं कहाँ रहूँगा? अरे ये क्या होगा वाह, ये तो जंगल के सारे पक्षियों के घोंसले टूट गए। मैंने पहले ही कहा था ना, इस मनहूस चिड़िया को इस जंगल में घर मत बनाने दो। देखो इसके घर बनाने से कैसे सारे पक्षियों के घर मनहूसियत छा गई। इस मनहूस चिड़िया के कारण ही हम सब पक्षियों के घर टूट गए हैं। अब यही टुनटुनी चिड़िया कल हम सब के घोंसले बना कर देगी, वरना हम सब पक्षी तुम्हें जान से मार देंगे। मैं अकेली इतने सारे पक्षियों का घर कैसे बना सकती हूँ? हम सब पक्षियों के घर तुम्हारी मनहूसियत के कारण टूटे हैं। अब तुम ही हम सब के घर बनवा कर दोगी, वरना हम सब तुम्हें मार देंगे। और अगर जंगल के किसी भी पक्षी ने तुम्हारी सहायता करने की हिम्मत की तो हम सारे पक्षी मिलकर उसे बहुत दर्दनाक सजा देंगे। जंगल के सारे पक्षी ये बात सुनकर बहुत घबरा जाते हैं। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया अकेली ही कई सारी लकड़ियाँ जमा करने लगती है। अब तक सिर्फ आधी ही लकड़ियाँ जमा हुई हैं। अभी आधी लकड़ियाँ कब जमा होंगी? कब मैं पक्षियों के लिए घर बनाऊंगी? तभी तोताराम वहाँ आता है। तू मनहूस चिड़िया, सबसे पहले मेरा घोंसला बना और मजबूत लकड़ियों से बना। बेचारे टुनटुनी चिड़िया डरते डरते तोताराम का घोंसला बनाने लगती है। टुनटुनी चिड़िया ने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन सब लकड़ियों से तोताराम का घोंसला बना देती है। तोताराम, तुम्हारा ये घोंसला बनकर तैयार हो चुका है। तभी कबूतर वहाँ प्रकट होता है। तुम सब अभी तक यही हो? चिड़िया चलो मेरा घोंसला बनाना है। हाँ हाँ कबूतर भाई, बस मैं थोड़ी लकड़ियाँ जमा कर लूँ, फिर आपका भी घोंसला बना देती हूँ। मैंने जितनी लकड़ियाँ जमा की थी उन लकड़ियों में तोताराम का घोंसला बन गया। तुरंत लकड़ियाँ जमा करके मेरा घर बनाओ, वरना मैं तुम्हें मारूंगा। टुनटुनी चिड़िया उड़ते हुए जंगल से लकड़ियाँ लाने चली जाती है। काफी दिक्कतों के बावजूद टुनटुनी चिड़िया फिर से कई सारी लकड़ियाँ जमा करती है और वो गबरू कबूतर का भी घोंसला बना देती है। टुनटुनी चिड़िया इतनी थक जाती है कि उसका शरीर कांपने लगता है। यूं ही रात हो जाती है। उसके बाद टुनटुनी चिड़िया मन ही मन सोचने लगती है। चलो जंगल के सारे पक्षियों के घर तो बन गए, अब सिर्फ कालू भाई का घर बचा है। चलो इतनी ही लकड़ियाँ बची हैं, मैं अब कालू कौए का घोंसला बना देती हूँ। चिड़िया बहन, आप बहुत थक गई हो, आप रहने दीजिए, मैं खुद अपना घोंसला बना लूँगा। आप थोड़ा विश्राम कर लीजिए, वरना आपकी तबीयत खराब हो जाएगी।
कौवे भाई, इस पूरे जंगल में केवल आप ही हो जो मेरी तकलीफ को समझते हो। आपकी इतनी दरिया दिली और हमदर्दी देखकर मुझे अपने पिता की याद आ गई। यूं ही शाम हो जाती है, सारे पक्षी अपने अपने घोंसले में रहने लगे। तभी कालू कौआ जंगल के सारे पक्षियों को एक जगह जमा करता है। क्या हुआ कौवे, तुमने हमें यहाँ क्यों बुलाया है? जंगल के सारे पक्षियों, तुम सबने कहा था उस टुनटुनी चिड़िया ने यहाँ अपना घर बनाया तो सारे पक्षियों पर मनहूसियत आ गई, पर अब तो उस टुनटुनी चिड़िया ने अपने ही हाथों से जंगल के सारे पक्षियों का घोंसला बनाया, अब तो कोई मनहूसियत नहीं आई इस जंगल पर। सारे पक्षी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। हाँ, ये बात तो सही है कौवे भाई, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। हमने उस मासूम चिड़िया पर बहुत जुल्म अत्याचार किया है, हमें टुनटुनी चिड़िया से क्षमा मांगनी होगी। कहाँ है टुनटुनी चिड़िया? मैंने टुनटुनी चिड़िया पर बहुत जुल्म किया है, मैंने उसे बहुत सताया है, मैंने ही सबसे ज्यादा टुनटुनी चिड़िया को परेशान किया है, उसे मनहूस कहकर उसका कितना अपमान किया है। अगर आज मैंने टुनटुनी चिड़िया से क्षमा नहीं मांगी तो मैं अपने आप को कभी जीवन भर क्षमा नहीं कर सकूँगा। अब पछताने से क्या फायदा, टुनटुनी चिड़िया तो इस जंगल से चली गई। उसने मुझसे कहा कि अब वो दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आएगी। मैंने टुनटुनी चिड़िया को रोकने की कोशिश की पर वो इस जंगल से हमेशा हमेशा के लिए चली गई है। तुम सब पक्षियों ने उस टुनटुनी चिड़िया के साथ अच्छा नहीं किया, उस मासूम चिड़िया को बहुत सताया है तुमने। जंगल के सारे पक्षियों को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है। सारे पक्षी टुनटुनी चिड़िया को तलाश करने लगते हैं, पर टुनटुनी चिड़िया का कोई पता नहीं चलता और जंगल के सारे पक्षी सदा के लिए टुनटुनी चिड़िया के गुनहगार बनकर रह गए और ये बात एक कहानी बनकर रह गई।